आप लोग सभी लोगों का वेलकम है। आज का जैसा टॉपिक आप लोग देख भी रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन का केस में भी है, बहुत से ऐसे स्टूडेंटों का कहना भी है कि आप टीजीटी या पीजीटी या मेडिकल के कोर्स के टॉपिक में ये सब टॉपिक बहुत बड़े लेवल का या ये जो क्वेश्चन आपको पुटअप होते भी हैं, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट किया गया भी है। जैसा आपको जानकारी भी होगी, जो फर्टिलाइजेशन है सबके नाम से पकड़िएगा, हम बार बार इस्तेमाल किए हुए बायोलॉजी में कभी भी जो भी शब्द इस्तेमाल आपको होता भी है उसमें लैटिन और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल होता भी है, और उसके हिसाब से अगर देखा भी जाए तो जो कि लैटिन भाषा में फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलिस शब्द से लिया गया है, और फर्टिलिस का मतलब होता है टू बियर, और बियर का जो मेन मतलब जो होता भी है जो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं उनके जो न्यूक्लियस और जो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है दोनों को फ्यूज होने के कॉन्सेप्ट को ही हम फर्टिलाइजेशन में हम इंक्लूड करते भी हैं। आपको जानकारी होगी भी कि बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता भी है वो स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोसेस है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पर्म और उसी पर्टिकुलर स्पीसीज का अगर ओवम है तभी फर्टिलाइजेशन की जो पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। फर्टिलाइजेशन में आपको मेन जो आपको इम्पोर्टेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, अगर मीडियम के हिसाब से देखें तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन इंडिकेट होता है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा आपको आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेन माना जाता भी है कोई भी ऐसा एनिमल जो पानी में होता है एक्वेटिक होता है, क्योंकि स्पर्म और ओवम को मिलने के लिए इनको मीडियम चाहिए, तो प्रायः माना जाता है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके पास फर्टिलाइजेशन वह एक्सटर्नल होता भी है, और जितने भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो आपको होते भी हैं वह विद इन द बॉडी के केस में आपको होता भी है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन जो आपको होता भी है वो फैलोपियन ट्यूब में एक पार्ट होता है जिसका नाम एम्पुला होता है, उसमें आपको इंडिकेट होता है, इसलिए एम्पुला को ही हम आप फर्टिलाइजेशन साइट के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। उसमें भी अगर आप देखते भी हैं तो फर्टिलाइजेशन जो आपको होता है जिसमें स्पर्म और ओवम, और आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपके सामने एक ह्यूमन मेल का आपको ओवम बनाया गया भी है जो नियर अबाउट 100 माइक्रोमीटर के आसपास है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये ओवम बना हुआ है इसमें जो प्राइमरी जो जर्म वॉल दिखाई दे रही है जिसको हम या जोना पेलोसिडा के नाम से आप जानते भी हैं, और उसके बाहर दिखाई दे रही है सेकेंडरी आपको वॉल जिसको जोना रेडिएटा के नाम जानते हैं। ये जो लेयर बनी हुई है वह डीएक्टिवेशन आप स्पर्म की वजह से बनी हुई है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि इजाकुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिस्पेक्टेड मेल के अंतर्गत जो आपको नंबर आप मिलियन या बिलियन आप जो स्पर्म निकलते भी हैं उसी को हम आप इजाकुलेशन के नाम से जानते भी हैं। नॉर्मल माना जाता है कि एक इजाकुलेशन प्रोसेस के अंतर्गत लगभग 300 से 400 मिलियन आप स्पर्म जो है वो बॉडी से आपको रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द केस ऑफ इजाकुलेशन के अंतर्गत। जस्ट उसी तरह से फीमेल बॉडी के अंतर्गत जो ओवुलेशन होता है वो भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको होती है जो 28 डेज की उसमें लगभग 14 या 15 जो दिन आपको होता है उसके ही अंतर्गत आपको ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन जो आपको होता भी है वो आपको एक स्टेज आती है क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेज इन केस ऑफ फीमेल, जिसके अंतर्गत नॉर्मल फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी में से एक ही ओवरी एक समय में आपको काम करती है, और यह ओवरी जो है वो अल्टरनेट तरीके से काम करती है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि अक्टूबर में अगर एक ओवरी वर्क कर रही है तो नवंबर में दूसरी वर्क करती है, और फिर इसी हिसाब से अल्टरनेट आपको परफॉर्मेंस होता है। अगर एक साल के हिसाब से हम पूरा प्रोसीजर देखें तो लगभग किसी भी फीमेल बॉडी में लगभग आपको 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अप्लाइड होते भी हैं, और उसमें भी लगभग 6 या 7 का रेशियो एक एक ओवरी के लिए आपको अप्लाइड होता है, और एक ओवरी से आपको 1 या 2 या 3 मैक्सिमम ओवम निकल सकते भी हैं, और जब एक ओवम और एक स्पर्म आपस मिलते हैं तभी फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। इस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं जो आपको ओवम होता है उससे आपको एक प्रोटीनियस सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम फर्टिलाइजिन है, वही आप देख रहे हैं स्पर्म के केस में भी है आपको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम एंटी फर्टिलाइजिन है, तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के रिएक्शन को भी हम या फर्टिलाइजेशन के नाम से आप जानते भी हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं जो स्पर्म का पार्ट आपको कोनिकल होता भी है, और इस कोनिकल पार्ट में आपको एक क्रोसोम पाया जाता है, और एक क्रोसोम जो हाईली एसिडिक होता है और उसे एक पर्टिकुलर एंजाइम निकलता है जिसका नाम हायलोनाइडेज होता है, और इसी हायलोनाइडेज एंजाइम की वजह से स्पर्म की वाल और ओवम की जो वाल है वो ब्रेक डाउन होती है, जिससे आसानी के साथ फर्टिलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखा जाता भी है। इस फर्टिलाइजर में जैसे कैपेसिटेशन शब्द आता है, कैपेसिटेशन का मतलब यही होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द केस ऑफ स्पर्म, और ये जो फिजियोलॉजिकल जो चेंज आपको आता भी है
वो स्पर्म के अंतर्गत जो लोकोमोशन होता है, जो फ्लैजेला फीजस होता है, टेल फीजस होता भी है, और यह ओवम के पास पहुंचने फीजस होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो ओवम होते हैं वो नॉन मोटाइल की पूरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो स्पर्म की तुलना में ओवम की साइज बड़ी होती भी है, और आप देख भी रहे हैं इस स्ट्रक्चर के केस में भी है। स्पर्म के बेसिकली तीन पार्ट हैं, टेल वाला पार्ट कॉशियल पोर्शन है, मिडिल पीस पाया जाता है जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है जिनका इस्तेमाल प्रायः क्लीवेज में होता भी है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और एपिकल पोर्शन पर एक्रोसोम की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जा रही है। तो मेन आपको फर्टिलाइजेशन के केस में भी है, ये मेन टॉपिक है, और इसी से संबंधित और भी इतर चीजें भी है, नेक्स्ट केस में हम फॉलो कराएंगे।